हेलो एवरीवन, शेयरिंग एंड केयरिंग ट्राइब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक पैक लेके आ रही हूँ, फेस पैक, जो कि एक मैजिकल फेस पैक है जिसको लगाते ही आपको स्किन पे लगेगा आपने ब्लीच का इफेक्ट देगा, आपके पोर्स को टाइटन करेगा और इतना नेचुरल ग्लो आएगा आपके स्किन पे। आप एक बार में ही उसको लगा के आपको बहुत अच्छा लगेगा और रिंकल्स की प्रॉब्लम, ब्लेमिशेस की प्रॉब्लम, उससे अगर आप हफ्ते में 2-3 बार यूज़ कर लोगे तो आपको ऑब्वियसली वो आपको बिल्कुल ही कम नज़र आएंगे। तो ये बिल्कुल नेचुरल चीज़ों से बनाया गया है, जो आपके पास घर पे ही होती है उसी से मैं बनाती हूँ और वही चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल भी फेस पे अपने कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ों की एप्लीकेशन नहीं करती। तो चलिए बनाते हैं सबसे पहले, फिर मैं आपको बताऊँगी इसको कैसे आपको यूज़ करना है, हफ्ते में 1 बार या 2 बार, और उसको आपको बनाना इसी तरह से क्यूब्स में है, क्योंकि वो जो आइसिंग का जो प्रोसेस है उसी से आपके पोर जो है वो टाइटन होंगे। तो चलिए पहले हम बनाते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कैसे हमें उसको यूज करना है। इसके लिए हमें लौकी के छिलके लेने हैं और लौकी के छिलकों को मैंने बहुत अच्छे से, लौकी को जो होल थी उसको मैंने नमक के पानी में सोख करके रखा था 1 घंटे के लिए। उसके बाद उसको अच्छे से धो के छील के, और जब मैं सब्ज़ी बनाती हूँ तो मैं इस तरह से रख लेती हूँ, क्योंकि लौकी का छिलका जो है वो नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट है। इसके साथ लेंगे हम चावल का आटा और कस्तूरी हल्दी, और ये ले रही हूँ मैं एलोवेरा जूस, जो मैं घर पे ही बनाती हूँ। अगर किसी को ये रेसिपी चाहिए तो आप ज़रूर बताइएगा। और लौकी के छिलके, इसको मैं ब्लेंडर में डाल रही हूँ, लौकी के छिलकों को, हल्दी को और चावल के आटे को, और साथ में मैं एलोवेरा जूस डाल रही हूँ। आप पानी भी यूज़ कर सकते हो। अब मैं इसमें काउलिन क्ले डाल रही हूँ, ये एडेबल वाली है वो डाल रही हूँ, वो ही अच्छी होती है। अगर आप बाय करो तो वही करना, एडेबल वाली, वो काफ़ी अच्छी होती है। उसके और दूसरे यूजेस भी हैं जो मैं फर्दर कभी बताऊँगी। अगर मुल्तानी मिट्टी हो तो भी चलेगा। आपको इसको आइस ट्रे में इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा डाल के इसके क्यूब्स जो हैं वो बना लेने हैं। आपको इसको रेफ्रिजरेटर में रखना है, फ्रीज़र में, और इसके क्यूब्स बन जाएंगे थोड़ी देर में, 2-3 घंटे के लिए रख दीजिएगा तो ये बर्फ़ की तरह जम जाएगा। जो सारी चीज़ें मैंने यूज़ करी हैं वो बहुत ही कमाल की हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब ये मैं इसको डीमोल्ड करूँगी, और ये कुछ देर के बाद मैंने अब फ्रीज़र से बाहर निकाला है तो ये सेट हो गए हैं। इसको भर के फिर से फ्रीज़र में ही रख लेना है। अब आपको इसमें करना क्या है, एक क्यूब लेना है और उसको आपको सर्कुलर मोशन में पूरे फेस पे आपको मसाज करनी है, और मसाज करने के बाद आपको इसको इसी तरह से लगा छोड़ देना है 10 मिनट के लिए, जब तक ये ड्राई ना हो जाए। जब ये ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद हम इसको धोएंगे वार्म वाटर से। पहले हम वार्म वाटर से धोएंगे और लास्ट में जो हमें इस पर स्प्लैश करना है अपने फेस को धोना है वो ठंडे पानी से धोना है। और इसके बाद आपको देखिएगा कि आपकी स्किन कितनी ग्लोइंग हो जाती है, क्योंकि इसके सारे इंग्रेडिएंट बहुत ही अच्छे हैं। और काउलिन क्लेन है वो आपकी स्किन को टाइटन करेगी, और जो लौकी के छिलके हैं उसमें नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट है वो ब्लीच का काम करेगा, राइस फ्लावर है आपकी स्किन को ग्लो देगा, और जो हमारी हल्दी है वो हमारे दाग धब्बों पे बहुत अच्छा काम करती है और एंटीसेप्टिक भी मानी जाती है स्किन के लिए। अल्टीमेटली ये बहुत ही बढ़िया एक ट्रीट है जो हम स्किन को दे रहे हैं। अब ये ड्राई हो गया तो फटाफट से मैं धो के आ रही हूँ। आप देखिए मेरी स्किन कितना अच्छा ग्लो कर रही है और एकदम क्लीन एंड क्लियर नज़र आ रही है। और सिर्फ मैंने लिपस्टिक लगाई हुई है, मेरे पास कोई भी बेस मैंने कुछ भी नहीं अप्लाई करा हुआ। और ये आप हफ्ते में 2 बार से 3 बार तक कर सकते हो, और बहुत आसान है ये ट्रीटमेंट। अगर आपको इस तरह का ग्लो चाहिए तो आप ये ज़रूर अप्लाई करना अपने फेस पे, और मुझे बताना आपको ये कैसे लगा। बॉडी की स्किन 70% वो सब चीज़ें एब्जॉर्ब कर लेती है जो हम अप्लाई करते हैं, इसलिए हमें डिसाइड करना है और इसलिए हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या अप्लाई करना है। तो जो भी चीज़ें मैं नेचुरल यूज़ करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। एंड केयरिंग ट्राइब से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।